हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो लेक्चर में। एंड वी आर डिस्कसिंग फॉर्मेट ऑफ जजमेंट राइटिंग। दिस इज द सेकेंड क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ फॉर्मेट ऑफ जजमेंट राइटिंग। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि याद होगा कि हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था। हमने आपसे डिस्कस किया था इसके पॉइंट्स, एंड एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस किया था कि वेरियस स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जजमेंट राइटिंग के, कैसे जजमेंट राइटिंग की जाती है, चाहे वो सिविल जजमेंट राइटिंग की बात करें, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग की बात करें। आज हम उस अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों में कौन कौन से फॉर्मेट अप्लाई होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ओरिजिनल जजमेंट कैसे लिखे जाते हैं, एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले। फॉर्मेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ और वो हम डिस्कस करने वाले। अभी आपको स्क्रीन में एक पोर्ट्रेट फॉर्म में नजर आ रहा है, लैंडस्केप फॉर्मेट में हम करते हैं, इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। सो सेकेंड पार्ट, फॉर्मेट ऑफ जजमेंट राइट, जजमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, ये हम समझने वाले हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला हम समझेंगे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, इसमें क्या फॉर्मेट अप्लाई होते हैं। तो पहले हम कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले हम सिविल राइटिंग देखेंगे, जजमेंट फॉर सिविल केस देखेंगे, उसके बाद हम क्रिमिनल जजमेंट केस देखेंगे। ओके, तो पहले हम फॉर्मेट ऑफ जजमेंट फॉर सिविल केस देखते हैं। सबसे पहले ऊपर टॉप पे, जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस किया था, इसको दोबारा इलेबोरेट जरूरत नहीं है बताने की, द कोर्ट ऑफ लिखते हैं, द कोर्ट ऑफ, अब डिजिग्नेशन ऑफ जज लिखना है आपको। हाउ विल यू डिसाइड कि हमें क्या लिखना है, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखना है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखना है, कोर्ट ऑफ, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे। तो वो अकॉर्डिंगली जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिफाइन किया था, वो अकॉर्डिंगली आपको डिस्कस समझना है, सोचना है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट आ जाएगा, है ना। और अगर हम ऊपर बात करें, नहीं ज्यादा, अगर हम और ऊपर जाएं तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्रिसाइडेड बाय नेम ऑफ द जज, यहाँ पे प्रिसाइडेड बाय और नेम ऑफ द जज होता है। जस्ट आई एम टेलिंग यू द फॉर्मेट, परेशान होने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली हम इसको ड्राफ्ट करके देखेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मेट ऑफ जजमेंट राइटिंग सिविल केस। उसके बाद लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं सीएनआर नंबर आता है, सिविल सूट नंबर होगा, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। देन और आगे हम बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। प्लेंटिफ नेम आ जाता है कि मिस्टर सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, एज सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, ऑक्यूपेशन उसको लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको लिखना प्लेंटिफ, ये जो मिस्टर है ये प्लेंटिफ है, ये आपको लिखना है। वर्सेस होता है डिफेंडेंट, सन ऑफ, जिस तरीके से प्लेंटिफ आपको लिखेंगे उसी तरीके से आप डिफेंडेंट के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑक्यूपेशन होगा, फिर यहाँ पे डॉट डॉट करके डिफेंडेंट लिखते हैं। प्रेजेंट काउंसिल, जो काउंसिल प्रेजेंट होंगे, श्री इतना फॉर प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के बिहाफ पे जो प्रेजेंट होंगे वहां पे उनका नाम लिखना है, डिफेंडेंट के बिहाफ पे जो प्रेजेंट होंगे यहाँ पे इनका नाम लिखना है, सिंपल। और आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पेज पे आते हैं, बाकी जजमेंट फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हमने आपको पॉइंट वाइज क्या बताए थे कि टाइटल रहेगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द काउंसिल, डिफेंस काउंसिल रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द काउंसिल्स रहेगा। वैसे सेम चीजें चल रही है, कोई अलग तो नहीं है जो आपको पॉइंट बताए थे, बट उसको हम बस एक फॉर्मेट में हम देख रहे हैं। उसके बाद जजमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, जजमेंट हमने पढ़ाया था आपको, प्रोनाउंस्ड ऑन डे लिख देंगे 2020 जो भी डेट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सूट लिखना है आपको, एडमिटेड फैक्ट्स लिखना है, जो सब कुछ हमने बता दिया बस आपको दिखा रहा हूँ। प्लेंटिफ केस इन ब्रीफ लिखना है, डिफेंडेंट्स केस इन ब्रीफ लिखना है, उसके बाद इश्यूज लिखना है, इश्यूज क्या है, सेकेंड नंबर पे थे हम, ठीक है। सिक्स में लिखेंगे डीलिंग विद ईच इशू आइदर सेपरेटली और साइमल्टेनियसली। लास्ट पैरा रिलीफ के बारे में लिखेंगे कि रिलीफ आप उसको क्या दे रहे हैं, ना रिलीफ जो सीक किया होगा, जो भी प्लेंटिफ होगा, जो भी रिटन स्टेटमेंट में लिखा होगा रिलीफ, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उनमें जो भी मर्जी हो आपका रिलीफ देंगे, जो दे सकते हैं। डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली लिखना है आपको, उसके बाद साइन कर देना है। उसके बाद डिजिग्नेशन आप यहाँ पे जज होगा,
डिजिग्नेशन जो भी, अगर मजिस्ट्रेट ऑफ जो भी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो क्रिमिनल में हो गया, सिविल में जो भी जज हैं आपके वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, दिस जजमेंट इज डेटेड साइंड, अब आपको लिखना है जिस दिन आप प्रोनाउंस करेंगे, दिस जजमेंट इज डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, साइन करना है यहाँ पे दोबारा, डिजिग्नेशन ऑफ जज दोबारा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट दोबारा, ये हमारा हो गया आपका सिविल केस फिनिश हो गया। अब हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ जजमेंट राइटिंग बाय हिमाचल प्रदेश, और उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के फॉर्मेट क्या होते हैं। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डिजिग्नेशन ऑफ मजिस्ट्रेट लिखेंगे आप, यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेम चीज है, प्रिसाइडेड ओवर बाय नेम ऑफ मजिस्ट्रेट सेम चीज है, सीएनआर नंबर है, यहाँ क्रिमिनल केस नंबर हो गया, सिविल सूट नंबर वहां पे था, सीएनआर नंबर हो गया, क्रिमिनल पुलिस स्टेशन हो गया, क्रिमिनल केस में डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके बाद स्टेट आएगा, स्टेट ऑफ नेम ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, थ्रू एसएचओ पुलिस स्टेशन, नेम ऑफ पुलिस स्टेशन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, स्टेट रहेगा, यहाँ पे आप लिखोगे प्रोसिक्यूशन, है ना, वहां पे प्लेंटिफ होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन राज्य के बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन ही केस को लाता है, सामने रखता है जज के। उसके बाद वर्सेस कौन होगा, जाहिर सी बात है जिसके ऊपर जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड पर्सन है जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो वर्सेस होगा, एक्यूज्ड नेम, सन ऑफ, एज, रेसिडेंट ऑफ पुलिस स्टेशन, एक्यूज्ड पर्सन यहाँ पे लिख देंगे। सिविल मैटर में क्या होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, प्रोसिक्यूशन वर्सेज एक्यूज्ड पर्सन। उसके बाद वहां पे सिविल में जजमेंट होता है तो यहाँ पे चार्ज होगा, चार्ज क्या क्या लिखे, आई, अब यहाँ पे नेम लिखोगे मिस्टर सो एंड सो, फिर उसके बाद डिजिग्नेशन ऑफ मजिस्ट्रेट लिखोगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो भी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो भी है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, चार्ज यू एक्यूज्ड, नेम ऑफ एक्यूज्ड रहेगा, चार्ज यू मिस्टर सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो एज फॉलोज, फर्स्टली दैट यहाँ पे हो जाएगा, सेकंडली दैट इतना, एंड देयर बाय डायरेक्ट दैट यू एक्यूज्ड बी ट्राइड बाय दिस, ये हो गया, ये लिख उठा। अब आगे हम देखते हैं कोर्ट फॉर द अबव फ्रेम्ड चार्जेस, वहां पे इस तरीके से आपको लिखना है, डेट प्लेस लिख देना, साइल डिजिग्नेशन ऑफ मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे हो। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं हमारी। उसके बाद प्ली ऑफ एक्यूज्ड, द चार्जेस वर रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड टू विच ही इज प्लीडेड एज फॉलोज, जो भी उस पर प्लीडिंग लगी हो अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, साइन ऑफ एक्यूज्ड हो जाएगा, साइन एंड सील हो जाएगा, यहाँ पर डिजिग्नेशन ऑफ मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट स्टेट, सिंपली हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, फटाफट में चल रहा हूँ, आपको सिर्फ फॉर्मेट अभी दिखा रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स, ये जो भी आपके पास जो भी आपको दिखाए जा रहे हैं वो आपको मिल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैं इसको शेयर कर दूंगा ताकि आप देख सकें। कोर्ट ऑफ डिजिग्नेशन ऑफ मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिसाइडेड बाय द नेम ऑफ मजिस्ट्रेट हो जाएगा, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ पे आई थिंक हमने कर लिया ना, थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ हो गया था, ठीक ओके, ये हिमाचल प्रदेश का ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी के कंटिन्यूएंस में ये जो प्ली वाला हमने आपको दिखाया था, इसी के कंटिन्यूएंस में ये सब सारी चीजें चल रही है ना, ये प्ली ऑफ एक्यूज्ड, उसके बाद ये आ जाएगा आपका, ये पार्ट आ जाएगा, द कोर्ट ऑफ डिजिग्नेशन ऑफ मजिस्ट्रेट अगेन डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रिसाइडेड बाय द नेम ऑफ मजिस्ट्रेट अगेन, सारा कुछ, सीएनआर नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके बाद स्टेट ऑफ सो एंड सो, थ्रो एसएचओ पुलिस स्टेशन सो एंड सो, सेम चीज सारी चीजें, प्रोसिक्यूशन वर्सेज एक्यूज्ड नेम, एज, रेसिडेंट ऑफ पुलिस स्टेशन, एक्यूज्ड पर्सन, उसका प्रेजेंट काउंसिल यहाँ पे हो जाएगा श्री सो एंड सो, एडीपीओ फॉर द प्रोसिक्यूशन, श्री सो एंड सो काउंसिल फॉर द डिफेंस, ये सारी चीजें हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे आएगा उसी में जजमेंट, प्रोनाउंस्ड ऑन डेट, डे ऑफ मंथ, ईयर, सो एंड सो। उसके बाद देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केस रिफरिंग टू चार्ज लेबल्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हो गया, थर्ड हो गया प्रोसिक्यूशन केस इन ब्रीफ, अक्यूज्ड पर्सन डिफेंस इन ब्रीफ, पॉइंट्स फॉर डिटरमिनेशन।
उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी, डिफेंस एविडेंस एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख देंगे आप लास्ट में। उसके बाद वही सेम चीज, जजमेंट इज डेटेड साइंड प्रोसिक्यूटेड इन ओपन कोर्ट, साइन हो जाएगा, डिजिग्नेशन ऑफ मजिस्ट्रेट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा इस तरफ। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, उसको सेंटेंस कितना देना, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस होगा, उसके बाद टेबल ऑफ सेंटेंस होगा, रिमेनिंग फॉर्मल क्लॉजेस। टेबल ऑफ सेंटेंस में मतलब ये अक्यूज्ड क्या है, अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हो जाएगा, एक टेबल बना के आप लिखोगे, रिमेनिंग फॉर्मल क्लॉजेस लिखेंगे। डन। अब आइए राजस्थान का, दोज हु बिलोंग टू राजस्थान स्टेट, दोज हु आर गोइंग टू अपियर फॉर राजस्थान जुडिशरी। सो ये गौर से देख सकते हैं आप लोग, राजस्थान में क्या फॉर्मेट चलता है देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ जजमेंट फॉर सिविल केसेस, अब इसमें सबसे ऊपर कोर्ट लिखा रहता है, तो द कोर्ट ने कोर्ट, डिजिग्नेशन ऑफ जज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नेम ऑफ द जज आर जज, सिविल सूट नंबर यहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं एनसीबी नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद प्लेंटिफ, सेम फॉर्मेट है प्लेंटिफ, उसके बाद मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ दोबारा, बहुत ही जल्दी से चल रहा हूँ। प्लेंटिफ हो गया, वर्सेस डिफेंडेंट्स नेम, ये सारा सेम है। उसके बाद टाइटल ऑफ द सूट आ जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट प्रेजेंट श्री इतना काउंसिल फॉर प्लेंटिफ, श्री इतना काउंसिल फॉर डिफेंडेंट, उसके बाद डेट ऑफ जजमेंट यहाँ लिखेंगे, फिर जजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द सूट देंगे, प्लेंटिफ स्टोरी लिखेंगे नटशेल में, डिफेंडेंट्स केस लिखेंगे इन ब्रीफ में। उसके बाद फोर्थ क्या रहेगा, इश्यूज रहेगा, राइट ऑल द इश्यूज इन पॉइंट्स एंड एट द एंड ऑफ सच इश्यूज राइट ऑन विच पार्टी द ओनर्स टू प्रूव दैट इश्यूज लाइज। ये हो गया हमारा। उसके बाद राइट इन ब्रीफ द ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एड्यूस्ड बाय प्लेंटिफ, write in brief the oral documentary evidence adduced by defendant, analysis and determination of each issue either separately or simultaneously। उसके बाद relief लिखेंगे, order लिखेंगे, relief में ये लिखेंगे कि जो उसने relief मांगी थी उसके बारे में लिखेंगे, order में अपना order देंगे आप, right as to whether suit decreed or dismissed, जो भी suit था उसको decreed या decree pass की जाती है या dismiss की जाती है ये आप लिखेंगे, cost अगर कोई impose आपने किया तो cost के बारे में लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखना decree to be drawn accordingly, name of judge, designation of judge, district, state accordingly आपको लिखना है, फिर नीचे जजमेंट इज डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट, फिर वही नेम ऑफ जज, डिजिग्नेशन ऑफ जज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये कंप्लीट हो गया हमारा। आगे आते हैं क्रिमिनल, राजस्थान का ही क्रिमिनल केस देख लेते हैं, उसका जजमेंट आप कैसे लिखोगे। इसमें लिखोगे कि कोर्ट, डिजिग्नेशन ऑफ जज लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखोगे, नेम ऑफ जज लिखोगे, उसके बाद केस नंबर, एनसीबी नंबर, स्टेट ऑफ राजस्थान, वर्सेस, नेम ऑफ अक्यूज्ड लिख दोगे यहाँ पे, अक्यूज्ड पर्सन, उसके बाद ऑफेंस अंडर सेक्शन आईपीसी, प्रेजेंट लिखोगे, एपीपीओ फॉर द स्टेट, श्री इतना काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड, डेट ऑफ जजमेंट, जजमेंट लिखोगे आप, इंट्रोडक्शन ऑफ केस रेफरिंग टू चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन केस इन ब्रीफ, प्ली ऑफ अक्यूज्ड, राइट इन ब्रीफ ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अक्यूज्ड बाई प्रोसिक्यूशन, एड्यूस बाई प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीजें होगी। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट लिखोगे स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 ऑफ द सीआरपीसी, अक्यूज्ड पर्सन्स डिफेंस इन ब्रीफ, पॉइंट फॉर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखोगे, है ना, आर्गुमेंट्स एडवांस बाय एपीपीओ इन ब्रीफ, आर्गुमेंट्स एडवांस बाय काउंसिल फॉर अक्यूज्ड पर्सन इन ब्रीफ, एनालिसिस ऑफ पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, नाइन्थ में लिखोगे डील विद ऑल द पॉइंट्स, टेंथ में लिखोगे फाइंडिंग ऑन पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। उसके बाद आप ऑर्डर पे आ जाइएगा, कंक्लूजन दीजिएगा, एक्यूट कर रहे हैं या कन्विट कर रहे हैं, फॉर्मल क्लॉजेस लिखिएगा, उसके बाद लास्ट में दिस जजमेंट इज डेटेड सील्ड प्रोनाउंस्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, नेम हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ जज, डिजिग्नेशन ऑफ जज और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ये हमारे राजस्थान का हो गया। दिल्ली का आके देख लेते हैं, फॉर्मेट ऑफ जजमेंट फॉर सिविल केसेस का देख लेते हैं पहले दिल्ली में, इसमें वैसे ही लिखते हैं द कोर्ट ऑफ नेम ऑफ जज, डिजिग्नेशन ऑफ जज, डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली, सिविल सूट नंबर इसमें लेफ्ट में लिखते हैं, इन द मैटर ऑफ सो एंड सो, इन द मैटर ऑफ लिखते हैं, अभी तक आपने कहीं नहीं देखा कि इन द मैटर ऑफ लिखा हो, यहाँ पे दिल्ली वाले में इन द मैटर ऑफ लिखते हैं। उसके बाद प्लेंटिफ का डिजिग्नेशन ऐसे ही लिखते हैं, सब कुछ जो हमने पहले पढ़ा उसको हम प्लेंटिफ यहाँ लिख देते हैं, वर्सेज डिफेंडेंट्स लिख देंगे डिफेंडेंट। उसके बाद डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे ऐसे, इस तरीके से डेली वाले में थोड़ा सा अलग है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ रिजर्विंग द जजमेंट, डेट ऑफ जजमेंट, फाइनल जजमेंट, डिक्रीड और डिसमिस्ड, ये सारी चीजें लिखेंगे। आगे और देख लेते हैं, इसी सिविल का फिर जजमेंट आएगा, जजमेंट यहाँ पे आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सूट लिखेंगे, प्लेंटिफ्स केस इन ब्रीफ लिखेंगे, डिफेंडेंट्स केस इन ब्रीफ लिखेंगे, अबाउट रेप्लिकेशन इफ एनी इश्यूज लिखेंगे,
ये सब आपको बताया जाएगा। इश्यूज आर रिटन इन पॉइंट्स एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ इज इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ ईच इशू बाय राइटिंग ओपीपी और ओपीडी। फॉर एग्जांपल वेदर प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ए सम ऑफ रुपीज 250,000 फ्रॉम डिपेंडेंट, इसको ओपीपी बोलते हैं ना। वेदर दिस कोर्ट हैज नो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एंड ट्राई द प्रेजेंट सूट ओपीडी इन राइट इन ब्रीफ ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एड्यूस्ड बाय द प्लेंटिफ। राइट इन ब्रीफ ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एड्यूस्ड बाय द डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने क्या क्या एविडेंस दिए वो लिखना है आपको, डिफेंडेंट ने क्या क्या एविडेंस दिए उसके बारे में एलेबोरेट करना है आपको, एनालिसिस लास्ट में करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ईच इशू आइदर सेपरेटली और साइमल्टेनियसली। उसके बाद लास्ट में रिलीफ लिखना है। डिक्री शैल बी प्रिपेयर्ड, डिक्री उसके बाद फॉर्मेट ऑफ जजमेंट फॉर सिविल क्रिमिनल कोर्ट देखेंगे, क्रिमिनल केस में देखेंगे। डेली डीजीएस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो बच्चे डीजीएस के एग्जाम में जा रहे हैं वो क्रिमिनल केस के फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे अगर उनके सामने आएगा। कोर्ट ऑफ नेम ऑफ जज लिखेंगे, डिजिग्नेशन लिखेंगे, ऑफ जज दिल्ली डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये सब लिखे देंगे। स्टेट वर्सेज एक्यूज नेम यहाँ पे लिखेंगे, एफ आई आर नंबर, केस नंबर, अंडर सेक्शन सो एंड सो, पी एस यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ केस, डेट ऑन विच केस रिजर्व फॉर जजमेंट, डेट ऑफ जजमेंट, ये तीन चीजें लिखेंगे। जजमेंट स्टार्ट करेंगे यहाँ से, डेट ऑफ ऑफेंस क्या है, ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ अंडर सेक्शन सो एंड सो, नेम ऑफ कंप्लेनेंट लिखेंगे, नेम ऑफ एक्यूज लिखेंगे यहाँ पे, है ना, पेरेंटल, लोकल, परमानेंट रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, ऐसे लिखा जाता है। प्ली ऑफ एक्यूज लिखेंगे, प्लीडेड गिल्टी या नॉट प्लीडेड गिल्टी, प्लीडेड गिल्टी और प्लीडेड नॉट गिल्टी। फाइनल ऑर्डर लिखेंगे, कन्विक्टेड या एक्विटेड यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन इन ब्रीफ, उसके बाद राइट वन पैरा इंडिकेटिंग इन ब्रीफ द चार्जेस फॉर विच ट्रायल वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट द अक्यूज। वन मोड ऑफ राइटिंग दिस पैरा कैन बी एज फॉलोज, कैसे हो सकते हैं आइए देखते हैं आगे। टू पॉइंट का इस तरीके से लिखेंगे, वन द बेसिक ऑफ बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल फाइल अलोंग विद द चार्ज शीट, चार्ज अंडर सेक्शन सो एंड सो वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड सो एंड सो टू विच ही प्लीडेड नॉट गिल्टी एंड क्लेम्ड ट्रायल, ऐसे करके लिखना। Write the prosecution evidence in this paragraph and you start as in order to prove its case prosecution examined two witnesses. अब यहाँ prosecution ने क्या-क्या evidence दिया वो आपको लिखना है और ऐसे लिखना आपको in order to prove its case prosecution examined two witnesses. Fourth में लिखेगा prosecution witness one deposed that so and so, क्या-क्या prosecution के witness ने कहा वो क्या depose किया वो आपको लिखना है। Witness number two को उसने क्या depose किया वो आपको लिखना है। उसके बाद sixth point में देखिए, after closure of evidence of prosecution write about a statement of accused in this para and it can be stated as in his statement under 313 crpc. ab crpc 313 ke andar mein accused jo apna statement deta hai to accused ne kya statement diya wo aapko likhna hai. accused denial all the allegations and took the plea that so and so karke likhna hai. seventh mein in his defense accused produced one witness or two witnesses, hai na, to yahan pe accused ka witness likhenge aap so and so karke usne kya kya depose kiya jo yahan pe likhenge. ऊपर प्रोसिक्यूशन ने क्या विटनेस प्रोड्यूस किए उसने क्या क्या डिपोज किया वो लिखना है। एट्थ पॉइंट में आफ्टर डिसमिसिंग ऑल द एविडेंस राइट इन ब्रीफ अबाउट फाइनल आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय द पार्टीज एड्यूस्ड बाय द पार्टीज एंड इट कैन बी स्टार्टेड एज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हर्ड फ्रॉम बोथ द साइड इन जिस्ट, ऐसे लिखना है इन जिस्ट एपीपी फॉर स्टेट सबमिटेड दैट सो एंड सो इन जिस्ट। उसके बाद लिखेगा डिफेंस काउंसिल ने क्या कहा क्या क्या आर्ग्यू किया वो आप लिखेंगे। टेन में लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स हर्ड रिकॉर्ड परस्यूड, उसके बाद 11 में कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अभी और बचा है। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस टू हियर द एक्यूज्ड ऑन पॉइंट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद द जजमेंट इज स्टेटेड डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, डेट यहां डाल देंगे। नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ लिख देंगे, डिजिग्नेशन ऑफ जज लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस लिख देंगे, सबमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट, उसके बाद सेंटेंस अवॉर्डेड, उसके बाद फॉर्मल क्लॉजेस, उसके बाद प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट, टूडे डेट, नेम मजिस्ट्रेट, डिजिग्नेशन डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, दैट्स ऑल। तो ये सब फॉर्मेट है, एक उत्तर प्रदेश का बच रहा है, उत्तर प्रदेश और एक स्टेट का बच रहा है, वो आपको कल बता दिया जाएगा, उसके आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंगली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मेट समझ में आएगा, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना, जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको एडॉप्ट करना है, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर टू डेज क्लास।